आप भी बेली फैट की वजह से परेशान हो तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक मिनट आपके दिन में 24 घंटे में सिर्फ आपको एक मिनट देना है इस वर्कआउट को और आप भी पा सकते हो फ्लैट टमी। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ये सच में आप सिर्फ एक मिनट 24 आवर्स का इस वर्कआउट को करने में लगाइए और अगर आप ये करोगे कंटिन्यूसली फॉर एक महीना भी फैट एरिया कम होगा, आपके इंच लॉस होंगे एंड आपको और ज्यादा फ्लैट टमी मिलेगी अगर आप चाहते हो। क्या है ये एक्सरसाइज, क्या है ये टेक्निक, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ही ऐसी एक्सरसाइज जिसको अगर आप कंटिन्यूसली एक महीने तक करोगे सिर्फ एक मिनट रोज तो आपका टमी फैट बहुत ज्यादा कम होगा, आपके इंचेस लूज होंगे और विमेन की जो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है दैट इज द बेली फैट उसको कम करने में मदद करेगा। सो गाइस ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ये सीरियसली वर्क करता है, मेरे ऊपर वर्क किया है और अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो आप पे भी वर्क करेगा। इसके बाद मैं एक और एक शेयर करूंगी जिसमें मेरा 7 मिनट वर्कआउट होगा टू रिड्यूस योर बेली फैट, बट उस वर्कआउट में भी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंक्लूडेड है तो वो करेक्ट पोस्चर में होनी चाहिए, करेक्ट वे और मेथड से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अदरवाइज अगर आप पूरे महीने या साल भर करते रहो ये एक्सरसाइज टमी फैट कम नहीं होगा, एक प्रॉपर वे में ही आपको ये वर्कआउट करना है तभी आपकी बेली फैट पे इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखते हैं कि क्या है ये वर्कआउट। गाइस जिस वर्कआउट की मैं बात कर रही हूँ वो है प्लैंक। नाउ बहुत सारे वर्कआउट्स में मेरे ऑलरेडी प्लैंक है बट मैंने सोचा कि आप लोगों को उसके बेनिफिट्स के बारे में अभी इतना पता ही नहीं है, नहीं जानती कि आप लोग करेक्ट पॉस्चर से उस प्लैंक को करते हो कि नहीं, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या करेक्ट पॉस्चर होना चाहिए एक प्लैंक का और अगर आप उसको कंटिन्यूसली करोगे तो उसके क्या फायदे हैं, क्यों फायदे हैं और कैसे फायदे हैं। सो गाइस प्लैंक होता है नथिंग, आपको अपनी बॉडी को अपनी फ्लोर के पैरेलल रखना है और अराउंड और अपने हाथों की मदद से और अपने पंजों की मदद से स्टैंड करना है अपवर्ड्स, आपकी बैक जमीन से एकदम पैरेलल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कॉमन मिस्टेक होती है प्लैंक में करते हैं वो ये है कि वो अपना हिप एरिया को बहुत ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं, प्लैंक पोस्चर ही पूरा बेकार हो जाता है, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा इस प्लैंक का। आप एक मिनट के आप एक घंटे तक ये वर्कआउट कर लो अगर इस पोस्चर में आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है इस वर्कआउट का। सेकेंड पोस्चर मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो एक आर्च बना लेते हैं अपने बैक में, जब आर्च बना लेंगे तो फायदा तो नहीं होगा, इनफैक्ट आपका बैक पेन हो सकता है, आपको बैक में स्प्रेन आ सकता है, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई वर्कआउट करेक्टली करो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बट वहीं अगर आप वही वर्कआउट गलत तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ सकता है एंड व्हाट नॉट द लिस्ट कंटिन्यूज। सो गाइस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप वर्कआउट को सिर्फ वर्कआउट करने के लिए मत करो, आप करेक्ट पोस्चर में। गाइस एक और टिप, जब आप प्लैंक कर रहे होगे और अगर आप करेक्ट पोस्चर में हो तो उसका हिंट ये होगा कि आपके लोअर बेली फैट में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा and that is the hint that you are doing the plank correctly, so keep that also in mind, वो एक hint है। तो वरना कोई फायदा नहीं है उस वर्कआउट का, आप करते रह जाओगे लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये क्या बकवास बताती है, कोई फायदा नहीं हुआ हमें, और आपको असल में फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने करेक्टली नहीं किया। अब ये था करेक्ट पॉस्चर जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से करना है, नाउ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप बिगिनिंग में प्लैंक करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगती है, कोर स्ट्रेंथ अभी आई एम अज्यूमिंग कि आप बिगिनर हो तो आपके पास है नहीं, तो आप 15 सेकेंड्स से ट्राई करना स्टार्ट करो प्लैंक, आप होल्ड करने की कोशिश करिए सिर्फ 15 सेकेंड के लिए। आप एकदम से एक मिनट के लिए करोगे नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, अगले दिन करना छोड़ दोगे, तो मैं वो गलती नहीं चाहती हूँ कि आप लोग करें क्योंकि इट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वर्कआउट टू रिड्यूस योर बेली फैट, टमी एरिया को कम करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इसको 15 सेकेंड से स्टार्ट करें और हर दिन 5-5 सेकेंड बढ़ाते रहें, अराउंड हफ्ते भर डेढ़ हफ्ते भर बाद आप आराम से आपका स्टैमिना धीरे धीरे बिल्ड होगा और आप 1 मिनट का प्लैंक होल्ड करना स्टार्ट करोगे। 1 मिनट का प्लैंक आप जिस दिन होल्ड करना स्टार्ट करोगे उससे आप मार्क कर लो और 30 दिन तक अगर आप लगातार 1 मिनट का प्लैंक करोगे रोज तो आपकी टमी फैट आप इंच मेजर कर लीजिए और उसके बाद 30 दिन के बाद जब आप मेजर करेंगे तो 1 से 2 इंच का फर्क आपकी बेली फैट में टमी फैट में जरूर आएगा, ये गारंटी है। प्लीज गाइज ये था सही पोस्चर प्लैंक करने का एंड दिस इज हाउ द मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो इस प्लैंक को करने की।
नाउ अब मैं आपको ये भी कुछ चीजें बता दूं कि ये प्लैंक का वर्कआउट आपको पेयर करना है अपने रेगुलर वर्कआउट के साथ। आई एम अज्यूमिंग कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मिनट का प्लैंक करके आप पिज्जा बर्गर खा के आपका टमी फैट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये वर्कआउट आपको अपने नॉर्मल वर्कआउट के साथ पेयर अप करना है। अगर आप मेरा 30 मिनट का हिट वर्कआउट कर रहे हो, अमेजिंग वर्कआउट है वो, फुल बॉडी वर्कआउट है, उसके साथ आप एक मिनट प्लैंक करिए, स्टार्टिंग 15 सेकंड से करिए और जब आप एक मिनट तक होल्ड करने लायक हो जाओ तो आप एक मिनट तक करो। और उसके साथ साथ आपको जो मैंने बाकी चीजें आपको बताई हैं बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, उसका वीडियो ऑलरेडी है। 3 चीजें ऐसी जो आप फॉलो करोगे तो आपको बेली फैट फ्लैट मिल जाएगा, आपका टमी वो भी फॉलो करनी है, तब जाके ये पूरा वर्क करेगा आपके लिए, इफेक्टिव होगा आपके बेली फैट एरिया में। बेली फैट का फैट औरतों के लिए बहुत ज्यादा स्टबन होता है, मैं जानती हूँ, तो इसलिए ये वर्कआउट बहुत ज्यादा एसेंशियल है और इसको करेक्ट पोस्चर में करना और भी ज्यादा एसेंशियल है। आप कोई भी वीडियो देख लो और स्टार्ट कर दो, बट अगर आप करेक्ट पोस्चर में नहीं करोगे आपके बैक में पेन हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपका बैक पेन हो सकता है, आप में स्प्रेन आ सकता है और आपको जिंदगी भर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसलिए करेक्ट पोस्चर में प्लैंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो दी स्टेप्स वाइल डूइंग योर प्लैंक एंड यू विल रॉक इट, ट्रस्ट मी। सो यस गाइज, ये था मेरा वो वीडियो जिसमें अगर आप एक मिनट तक ये करोगे तो आपको फ्लैट टमी मिलेगा इन जस्ट 30 डेज, एंड इनफैक्ट आपको 15-20 दिन में ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर इन्फॉर्मेटिव है तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज। आई सी यू गाइस सुपर डुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।